भोजपुरी एक्ट्रेस काजल राघवानी भोजपुरी की नो डाउट नंबर वन एक्ट्रेस है। आज के समय में काजल राघवानी के पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं और अभी तक उनके हिस्से में इक्का दुक्का ही फ्लॉप फिल्में हैं। वैसे फिल्मों के स्कोर कार्ड को देखा जाए तो काजल राघवानी आम्रपाली और अक्षरा सिंह से कहीं आगे हैं। भाई ये तो हुई काजल राघवानी की अच्छी अच्छी बातें, और अच्छी बातों में ये भी जान लीजिए कि काजल राघवानी पार्टी एनिमल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि काम किया और सीधे घर और घर से सीधे शूट पर। आप ये कह सकते हैं कि काजल राघवानी को पार्टियों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का बार आप काजल राघवानी को उनकी फैमिली के साथ घूमते फिरते या हैंग आउट करते देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि काजल राघवानी के लाइफ में दुश्मनों की संख्या कितनी है। तो हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि काजल राघवानी के पर्सनल लाइफ में तो शायद ही कोई दुश्मन है, क्योंकि जिससे मिलिए काजल राघवानी को स्वीट और एडोरेबल कहता है। और आपको बता दें कि फिल्मी लाइन की बात करें और उनके करियर की बात करें तो यहाँ उनके तीन जानी दुश्मन हैं। अब आप जानना चाहते होंगे कि ये तीनों कौन हैं, तो सुन लीजिए पहला कौन है। जी हाँ, काजल राघवानी की दुश्मन नंबर वन कोई और नहीं, आम्रपाली दुबे हैं। जी हाँ, ये दोनों एक दूसरे को फूटी आँख नहीं देखना पसंद करती। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ये जान लीजिए कि काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे के बीच इतना 36 का आंकड़ा है कि काजल राघवानी के साथ निरहुआ जल्दी फिल्में नहीं कर सकते और खेसारी लाल यादव के साथ जल्दी आम्रपाली दुबे फिल्में नहीं कर सकती। अगर आपको याद हो तो लल्लू की लैला आपके लिए जीवंत उदाहरण है, जिसमें काजल राघवानी का एक अहम रोल था, लेकिन आम्रपाली के बीच में आ जाने की वजह से काजल राघवानी को हटाकर किसी और हीरोइन को रख लिया गया। ठीक उसी तरह डायरेक्टर आम्रपाली को खेसारी लाल यादव के साथ कास्ट करना चाहते हैं, लेकिन काजल राघवानी को ये कतई मंजूर नहीं, और काजल राघवानी की बात मानते हुए खेसारी लाल यादव भी आम्रपाली के साथ आइटम नंबर तो कर सकते हैं, लेकिन फिल्मों के लिए तो वो रिस्क नहीं उठाएंगे, क्योंकि काजल राघवानी के साथ अभी तक उन्होंने कोई फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। अब बात करते हैं दुश्मन नंबर टू की। भाई इनकी और काजल राघवानी की दुश्मनी जग जाहिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्षरा सिंह की। अक्षरा सिंह और काजल राघवानी की दुश्मनी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं। अक्षरा सिंह ने एक स्टेज शो पर काजल राघवानी का नाम लेते हुए ये कहा था कि काजल राघवानी ये क्यों कहती है कि अक्षरा सिंह इतना स्टेज शो पर इतराती क्यों है, जिससे पता चलता है कि काजल राघवानी और अक्षरा सिंह एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तभी तो आप कह सकते हैं कि पवन सिंह से अलग होने के बाद भी खेसारी लाल यादव के साथ अक्षरा सिंह कोई फिल्म नहीं कर रही है, और कभी ये दोनों एक दूसरे के सामने आ भी गई या यूं कह लें कि आमने सामने हो भी गई तो एक दूसरे से इतनी दूरी बनाई रहती है कि ये दोनों एक दूसरे को न मुँह देखें और न दिखाएं। खैर, अब बात करते हैं काजल राघवानी के दुश्मन नंबर थ्री की। भाई ये काजल राघवानी के कम और खेसारी लाल यादव के दुश्मन ज़्यादा हैं, लेकिन अब एक स्टेज शो में विनय बिहारी ने खेसारी लाल यादव के साथ साथ काजल राघवानी को भी बुलाया। उस स्टेज शो में खेसारी लाल यादव ने सिर्फ दो गाने गाए होंगे कि स्टेज शो पर बवाल मच गया, और इस पर स्टेज छोड़कर खेसारी लाल यादव चलते बने, और अब मामला यहाँ से बिगड़ गया। इतने में खेसारी लाल यादव ने काजल राघवानी के नाम की जो पेमेंट होती है वो विनय बिहारी से मांग ली। विनय बिहारी ने कहा, जब काजल राघवानी परफॉर्म करने ही नहीं आई तो फिर रकम कैसी, यानी पेमेंट कैसी। और इसी मुद्दे को लेकर खेसारी और विनय बिहारी में जमकर तूतू मैं हूँ। और जब ये लड़ाई बद से बदतर होती जा रही थी, तब काजल राघवानी सामने आई
और खेसारी लाल यादव के पक्ष में विनय बिहारी को खूब खरी खोटी सुनाई, जिससे पता चलता है कि काजल राघवानी ने एक खेसारी लाल यादव के दुश्मन को अपना दुश्मन बना लिया। इसके लिए आप ये कह सकते हैं कि विनय बिहारी और काजल राघवानी के लिए तो यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर है कि काजल राघवानी ने विनय बिहारी से सामने से दुश्मनी मोल ली। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।